सत श्री अकाल, मैं जसविंदर पाल चैनल पंजाबी तुहाडा स्वागत है। तो आप गल करते हैं हुण उस खबर की जिसका पंथक राजनीति भी बड़ा वड्डा योगदान है। तो नाल तुहानू दस दिंदे हां कि पंथक विच खुशी की लहर भी है। जी हाँ, तुहानू मैं गल कर रहा अमृतपाल सिंह दी, जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट नू नाल लैके पंथक शुरुआत करते हुए वड्डे पद्धर ते सिक्खी संचार किया, प्रचार किया, तो नाल ही लोगों नू उन्होंने अमृत पान कराया। तो इस दे नाल नाल उन्होंने अपने जीवन साथी नाल भी अज लावां लै लईआं। तो ये ब्याह जिहड़ा सी साधारण अन्ना सी, अन्ना सादा सी कि एक समाज नू सुनेहा देंदा नज़र आया कि सादेपण विच जिथे लावां आनंद कारज हुंदे ने उत्थे फित्ती बोझ ना मुंडे वालियां ते पैंदा ना कुड़ी वालियां ते। दूसरी गल है कि समाजिक पद्धर ते भी एक सुनेहा दिंदी नज़र आया ये ब्याह। तो ब्याह विच यह भी गल कही गई कि साधारण वित्ती बोझ नाल जिहड़ा पैंदा उस नाल नुकसान समाजिक तौर पर आम आदमी नूं सहना पैंदा है। इस बारे अमृतपाल सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देंदे कुछ यह जा कहा। देखो, सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा ने जो संयोग बने वो जो ब्याह शादी का कोई भी समागम है वो इदा का होना चाहिए भी ना अगलिया कोई बंद बोझ पवे ना साढ़े पवे। एक दिन की खुशी परिवारक है, निजी तौर पर मनाना चाहिए सतगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद लैके जोड़ा ये जीवन है गृहस्थ जीवन जो सतगुरु का हुक्म ही है उन्होंने शुरू करना चाहिए। सो सादगी सब तो जरूरी है। देखो यो ही सा, मैं बेनती भी करनी है मीडिया में भी कई बार ना कुछ चीज़ें आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। मैं पब्लिक के विचरना, मैं नहीं चाहता भी मेरा परिवार जोड़ा वो पब्लिक के उन्होंने कोई तस्वीर सामने आव। सो यह बेनती भी है कि जी प्राइवेट लाइफ है इन प्राइवेट रहने दिता जाए। इस करके सानू ये मुश्किल की वजह करके सानू शिफ्ट करना पाया क्योंकि उत्थे मीडिया जिहड़ा सी असी अवॉइड नहीं सी कर सकते। इमीडिएटली सानू प्लान चेंज करने पे। सो ये बेनती अगे तो भी है कि तुसी इन्हां चीज़ों के उत्ते आपां थोड़ा जिहा जिवें सेंसेशन दे रूप दे विच फोटोआं लाउणियां हैं, पहलां किसे गलत कुड़ी दीआं फोटोआं चलाईआं गईआं फिर दोबारा फिर चलाईआं जा रहीआं, तो मेरी सारिआं नूं बेनती है भी इदां नहीं करना चाहिए, बिना इजाजत तो बिना किसी की अथॉरिटी तो यह काम नहीं करना। अच्छा, वैसे अचानक कल खबर निकली कि तुसीं ब्याह करवा रहे हो, उदा परिवार दे विच लंबे समय तो प्लानिंग चल रही सी। मेरी मैं एक साल तो मैं जिहड़ा सी असीं ऑलरेडी ब्याह दी गल चल रही सी। सो इस करके ये जरा लंबे समय की प्लैनिंग है, पर वो जिदा मैं पहला गया भी कुछ चीज़ों अपन परसनल रखना पैदा। सरदारनी जी पहला तो जानते सी? हाँ जी, मैं पहला तो जानते। अच्छा जी, सिंह साहब जिस तरह अकाल तख्त जथेदार की गल की जाए, तुम भी जो एक मैसेज दिता है कि तुम्हें लगता नहीं सिंह साहब ने एक मैसेज चाहिए जो लोग ने संगत ने उस तरह अपना साधा ब्याह करना? देखो ये जरूरी है, मैं अगे भी कई थावां ते गल कीती है कि यह परिवारक जी रसम है, दो परिवारों का दो जीआं दा मेल है, सतगुरु की हजूरी चाहिए होर कुछ बहुता नहीं चाहिए ताम झाम। सो जिन्ना सादा हो सके उन्ना चंगा है। आपां लोक दिखावे दे विच आ के लखां करोड़ां रुपये खर्चीए तो फिर कई कोई तो खर्च सकता पर दूजे हड्डियां चुक के फाह लेना पैंदा जिन्हां को नहीं हुंदा। दाज दहेज इहो जी जिहड़ी समस्या पंजाब दे विच माड़ी मोटी हैगी है, इहनूं खत्म करना चाहिए। ब्याह इदां दी रस्म होनी चाहिए भी जिथे किसी एक दिन पहलां भी चिंता ना होवे, आम रस्मी तौर पर जिवें कितें महाराज दी खंडपट साहिब रखाया है इदां दी रस्म होवे तां जो कुड़ी दे परिवार नूं जां किसी भी परिवार नूं इह चिंता ना होवे कि असीं ब्याह करना। मतलब बहुत नेड़े जिहड़े सी सिंह सी परिवार दे जी सी रिश्तेदार सी कुछ ते बहुत लिमिटेड बंदे सी पंजाब दे। सिंह साहब अगे समागम रखे गए ने फिर रूपरेखा नहीं ओदा ही चलेगी जिवें समागम दी रूपरेखा क्लीयर कर दियो कि तुहाडा जिहड़ा परिवार है ओह कैनेडा तो है कि यूके तो है क्योंकि इह वी बड़ी गल दे। केड़ा परिवार जिहड़ा तुहाडे सौरा परिवार? नहीं ओह यूके तो नहीं।